ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ आपको बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है गाइस वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस आप लोगों के लिए मैं गाइस एक चीज कहना चाहता हूं कि गाइस मतलब ये जो वीडियो है ना गाइस आप लोगों को अगर ऐसी सेम फोटो एडिट करना है तो गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो जो है बिल्कुल कंप्लीट देखनी पड़ेगी, जिससे गाइस आप जब एडिटिंग करने जाओगे तो आपको गाइस मतलब कि कोई भी हार्ड वर्क नहीं लगेगा इसमें कि मतलब कि फोटो काफी हार्ड होगी एडिट करने में। बट गाइस मैं आप सभी को बता रहा हूं गाइस आप लोग इस वीडियो को पहले कंप्लीट देख लो, देन आप एडिट करने जाओगे तो गाइस आप लोगों को जो है ये फोटो एडिटिंग बहुत ही इजी लगेगी, इस चीज की गाइस मैं गारंटी दे सकता हूं आप सभी को। बस गाइस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो गाइस आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे आके आप मेरे को इजीली मतलब वहां पे आके मुझसे पूछ सकते हो गाइस, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो बाकी गाइस आप लोग आना वहां पे इंस्टाग्राम पे, एंड अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, जो इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अभी आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना गाइस ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल का पीएनजी, ठीक है। यहां पे मॉडल का पीएनजी ऐड करना है, तो यहां से फटाफट इसको ऐड कर लेता हूं। गाइस अपने मॉडल को पीएनजी को ऐड करने के बाद जो है गाइस यहां पे फुल स्क्रीन करके आपको जो बैकग्राउंड पे इस तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। आप लोग देख लेना गाइस अगर आप मतलब कि इसी टाइप का अगर आपका मॉडल होगा तो वो फुल स्क्रीन करते ही बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा, बाकी अगर ना हो तो गाइस आप अपने हिसाब से छोटा मोटा करके उसको ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करने के बाद जो डन कर देना है, उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है क्राओ का पीएनजी, ठीक है। क्राओ एंड लाइट का पीएनजी दोनों एक साथ ही है इसमें, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको ईजिली ऐड कर लेना। तो अभी हम इसको कैसे ऐड करेंगे गाइस, यहाँ से हम इसका जो साइज़ है इसको छोटा करेंगे, हम इस साइड को मतलब पहले इसका साइज़ जो है ना छोटा कर लेते हैं, क्योंकि जब इसको छोटा करेंगे तो अच्छे से जब ये ऐड हो पाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं इसे जूम कर लेते हैं पहले, एंड जूम करने के बाद जो एक लाइट जो हमारी यहाँ लगेगी हेडलाइट के पास, ठीक है। एंड इसके बाद जो है क्राउ जो है ऑटोमेटिकली हमारा जो बाइक के ऊपर बैठ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आपको थोड़ा अच्छे से लगाना है एकदम, ठीक है। बाकी इसके बाद जो आपको इतना कर देने के बाद जो है मतलब शेडो वेडो बनाने की जरूरत है नहीं क्राउ के नीचे, क्योंकि पहले से बनी हुई है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जो फोटो को डन कर देना है। अब गाइस इसके आप यहाँ पे आपको ऐड करना है पार्टिकल का पीएनजी, ठीक है। उसको ऐड करने के लिए आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है, एंड ऐड फोटो में जाकर गाइस आपको पार्टिकल का पीएनजी जो है ऐड कर लेना है। एंड इसको ऐड कर देने के बाद जो आप सभी को क्या करना है, आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है, इसको फुल स्क्रीन करके गाइस कुछ इस टाइप से, एंड उसके बाद जो आपको अपनी फोटो कर देना है डन, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी फोटो एकदम बूम लग रही है गाइस यहाँ पे बिल्कुल। तो अब जो है गाइस अब बारी है इसमें गाइस कलर करेक्शन की, ठीक है। तो कलर करेक्शन जो है हम हमेशा लाइट में अपने करते हैं, आप सभी को पता ही है। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे सिंपली सेव कर लेते हैं, एंड इसको सेव करके लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। सो गाइस लाइट रूम ऐप हमने ओपन कर लिया है। अब गाइस देखिए आपको ये करना है, आपको जाना है लाइट वाले ऑप्शन में जो आपको दिख रहा होगा, इस पर जाने के बाद जो आप सभी को क्या करना है, आपको पहले इसका कॉन्ट्रास्ट जो है हल्का सा यहाँ पे डिक्रीज करना है, ठीक है। एंड इसके बाद जो हाईलाइट है इसको यहाँ पे इंक्रीज कर देना है, एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे डिक्रीज करके, एंड वाइट को यहाँ पे माइनस की तरफ रख के, एंड जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा माइनस कर देना है। फिर इसके बाद गाइस आपको जाना है कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद जो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है, एंड थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देना है माइनस की तरफ, ताकि जो है मतलब फोटो थोड़ी सी ब्लू टोन हो जाए। फिर उसके बाद जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसका ल्यूमिनस जो है बढ़ा देना है ताकि फोटो में जो ब्राइटनेस आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप सभी को क्या करना है, आपको जाना येलो कलर में, आप जैसे कि फोटो में येलो कलर तो है नहीं, हम चलते हैं ब्लू कलर में। ब्लू कलर में जाने के बाद आप थोड़ा ह्यू बढ़ा देना इसका, एंड सैचुरेशन प्लस कर देना थोड़ा, एंड उसके बाद जो आप यहाँ पे लेना स्काई ब्लू। ग्रीन कलर में जाके आपको पहले इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है, येलो कलर लेना इसका सैचुरेशन हल्का सा माइनस, ह्यू को थोड़ा माइनस, एंड गाइस जितना हो जाने के बाद जो आपको सिंपली डन करना है। एंड इसके बाद जाना आपको यहाँ पे थ्री ए पॉइंट्स जो इस पे जाना है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इसको माइनस थोड़ी प्लस की तरफ कर देना है, एंड ह्यू को जो ले जाना है यहाँ पे प्लस की तरफ, एंड इसके बाद जो आपको इसका शेडो है सैचुरेशन इसको इंक्रीज कर देना है, एंड इसको रख देना है ब्लू कलर में, ठीक है। एंड इसके बाद आपको जाना है ऐसे मिड टोन में, मिड टोन का थोड़ा सैचुरेशन इंक्रीज करना पहले, एंड इसके बाद जो इसको आपको ले जाना है ग्रीन कलर की तरफ, ठीक है। ग्रीन के बीच में और येलो के बीच में रखना है आपको। अब यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं हाईलाइट्स में, हाईलाइट्स में ले जाने के बाद आपको सेम वही चीज़ करनी है, सैचुरेशन हल्की सी बढ़ानी है, एंड उसके ह्यू है इसको यहाँ पे प्लस की तरफ यहाँ पे ब्लू येलो के बीच में रख देना है, ग्रीन और येलो के बीच में, ठीक है।
तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे इतना हो गया है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे सिंपली डन कर लेते हैं, क्योंकि इतना काम तो हमारा हो गया यहाँ पे। अब गाइस हम यहाँ से नीचे के स्क्रॉल करेंगे, आपको मिलेगा ये वाला टूल, कुछ में जाना है, यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज़ कर देनी है आप सभी को। क्लियरिटी इंक्रीज़ करने के बाद आपको इसमें विगनेट डालना है। ठीक है, विगनेट मतलब कि थोड़ा सा डाल देना, 20-25 तक कुछ डाल देना। देन आपको यहाँ पे जो ग्रेन अमाउंट इंक्रीज़ कर देना है, एंड फिर जाना आपको यहाँ पे नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज़ कर देनी है। फोटो में जो नोट रुकशन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे वाले आपको कलर नोट रुकशन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो बस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस, मिलता हूँ सभी से किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।